एक क्वेश्चन आता है कि ये जो संकुल है वो तो रंगहीन है, और जो एक्वा के साथ जुड़ा हुआ है आयरन का, वो संकुल जो है रंगीन है, क्यों? तो देखते हैं, बात करें इस संकुल की और इस दोनों की, तो दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। और जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो पॉसिबिलिटीज हैं कि दो प्रकार के संकरण होंगे। कौन कौन से? एक तो होगा sp3d2, एक होगा d2sp3। ये संकरण तब होगा जब लिगेंड जो होगा वो वीक होगा, और ये तब होगा जब लिगेंड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, यानी प्रबल लिगेंड होगा। वीक लिगेंड होने के कारण ये जो है पेयरिंग नहीं कर पाएगा, इसके कारण हमें sp3d2 संकरण देखने को मिलता है, या फिर इस संकरण को आउटर कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है, बाह्य संकुल संकरण भी कहते हैं, और इसको आंतरिक इनर हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो हम बात करते हैं FeCN6 की। बात करें आयरन के ऑक्सीडेशन की, तो आयरन का ऑक्सीडेशन कितना है? इसको मानेंगे x, ये 6, एक साइनाइड का -1 होता है तो 6 का -6 होगा और = 4। तो एक्स की जो ऑक्सीडेशन नंबर आई, ऑक्सीकरण अवस्था, +2 आएगी। बात करें FeH2, +2, इसमें तो डायरेक्ट ही दिख रहा है कि आयरन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेज के अंदर है। अब आयरन जो है उसका विन्यास क्या होता है? उसका विन्यास होता है 3d6 और 4s2, यानी d के अंदर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आयरन जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेज में जाएगा तो 4s वाले इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इसके आगे ये खाली p कक्षक भी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाने के बाद हमारे पास Fe2 का जो विन्यास आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, यानी 4s इसमें वैकेंट है, 4p भी इसके अंदर वैकेंट है, एंड देन फर्दर आगे इसके 4d भी होगा। तो हमने देखा इसमें लिगेंड कैसे हैं, इसमें लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये इसकी क्या कर देंगे, पैरिंग, ये इसकी पैरिंग कर देंगे। पैरिंग करने के कारण हमारे पास इस डी के दो कक्षक खाली हो जाएंगे, दैट मीन्स दो डी यहाँ से मिल जाएंगे हमें, एक 4s से एंड देन 4p से। तो d2 संकरण कौन सा हो जाएगा, एक d, 2s और 3p, तो संकरण हो जाएगा d2sp3। तो अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के कारण इसका जो म्यू आएगा वो आएगा शून्य, म्यू शून्य आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो है वो प्रतिजुम्बकीय प्रकृति का है। और इसका आंसर भी यहाँ निकल के आ गया कि जो Fe6-4 है वो रंगहीन क्यों है, क्यों? इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की क्या है, अनुपस्थिति है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, इसके कारण ये रंगहीन है। इसका जो म्यू है वो शून्य है। इसकी आकृति की बात करें तो इसकी आकृति अष्टफलकीय ही है, और संकरण इसके अंदर क्या है, d2sp3। तो ये मोटी मोटी बात इस संकुल के लिए। अब हम बात करते हैं इस वाले संकुल की। तो इसका विन्यास देखें, अभी हमने निकाला था ये आएगा, पर लिगेंड क्या है, वीक है। वीक लिगेंड होने के कारण पेयरिंग जो है वो नहीं हो पाएगी, पेयरिंग नहीं हो पाएगी। तो हम कौन से कक्षक लेंगे, 4s वाले, देन 4p वाले, देन आगे इसके आगे 4d होगा वो लेंगे। तो भाई इस कक्षक हम ले रहे हैं तो इसमें संकरण होगा sp3d2। आकृति इसकी भी अष्टफलकीय होगी,
और इसमें बात करें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की, तो इसमें चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण म्यू ज़ीरो नहीं होगा। म्यू ज़ीरो नहीं होगा इट मीन्स ये किस प्रकृति का होगा, अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसके कारण ये जो संकुल होगा वो रंगीन होगा। और म्यू के बात करें तो म्यू इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले में, n इज इक्वल टू 4 रख के हमें म्यू का मान आ जाएगा, जिसे हम बोर मैग्नेट्रॉन में प्रदर्शित करेंगे। इस तरह से हमें पता चला कि ये संकुल तो रंगहीन है, जबकि ये संकुल जो रंगीन होता है।